हेलो गाइस, ऑप्टिकल बेसिस चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं कंपाउंड और वाला लेंस में एक्सिस कैसे लगाता है वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो पिछले वीडियो में मैं सिंगल विजन का एक सिलिंड्रिकल लेंस में दिखाया क्या कैसे एक्सिस लगाता है। तो बहुत लोग मुझे कमेंट किया, क्या बोला कंपाउंड पर मैं कैसे एक्सिस लगाता है, तो वही दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर देना ताकि मेरा हर वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, पहले आप कंपाउंड पावर वाला लेंस ले लो। ठीक है, मेरे पास ये कंपाउंड पावर वाला लेंस है। ठीक है, इसको पहले आपको चेक करना है, चेक करके न्यूट्रलाइज पॉइंट किधर हो रहा है वो देखना है आपको। तो चलिए मैं चेक करके देखता हूँ कंपाउंड पावर वाला लेंस कैसे चेक किया जाता है और उसका न्यूट्रलाइज पॉइंट किधर है। उसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे देता हूँ, आप जाके देख सकते हो। पहले सिलिंड्रिकल पावर को न्यूट्रलाइज करना है, तो मैं चेक करके देखता हूँ। ठीक है, ये हो गया सिलिंड्रिकल पावर न्यूट्रलाइज। अभी क्या करना है, स्फेरिकल ट्रायल लेंस लेना है। ये आ गया स्फेरिकल पावर वाला लेंस। तो ये लेंस माइनस में है तो प्लस ट्रायल लेंस लेके मुझे चेक करना है। तो ये हो गया न्यूट्रल। आप देख सकते हो रोटेट नहीं हो रहा है, एकदम न्यूट्रल हो गया। तो अभी ये जो सिलिंड्रिकल ट्रायल लेंस है इसका आप मार्क दिख रहे हो, ये मार्क किधर है लेंस के, लेंस के ऊपर मैंने लगाया। तो ये जो एंगल है इसके लेंस के ऊपर किसी एंगल में मार्क कर देना है, ये जो आप व्हाइट वाला डॉट दिख रहे हो इसी एंगल को। ठीक है, मैंने मार्क कर देता हूँ। तो गाइस, मैंने मार्क कर दिया है। ये आप देख सकते हो। अभी क्या करना है, अभी ये जो एक्सिस मार्किंग चार्ट है आप देख सकते हो, ये 90, 80, 70 आप देख रहे हो। ये बाहर वाला जो एंगल रहेगा ये इसको आपको समझना आना चाहिए। तो चलिए अभी इसका काम है देखता हूँ। एक्सिस मार्किंग चार्ट जो है 180 मतलब 180 को आपको ऐसे रखना है और 90 एंगल को ऐसे लंबा रखना ऊपर ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये मुझे न्यूट्रल पॉइंट मिल गया है। तो अभी आपको कौन सा एंगल में लगाना है एक्सिस, अभी समझ लो 140 में लगाना है। तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट मैंने मार्क किया है लेंस के ऊपर, ये जो 140 किधर आ रहा है, देखो इधर आ रहा है और इधर दिख रहा है, तो ऐसे रखना है, 140 के बराबर लाइन पे रखना है आपको। अब देख सकते हो 140 के एकदम लाइन में है। ठीक है, अभी 180 का लाइन किधर आ रहा है आपको देखना है, 180 का लाइन इधर है, ये आप देख सकते हो इधर से इधर। तो 180 के ऊपर ऐसे लंबा लाइन लगा देना है। हो गया, ये आ गया 140 डिग्री एक्सिस। अभी सपोज आपको मैं मिटा देता हूँ और एंगल में दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए।
तो गाइस 140 मैंने दिखा दिया, अभी 110 में मैं लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, 180 का लाइन मैंने मिटा दिया है, अभी 110 के ऊपर मैं लगा के देखता हूँ। जो ये लेंस के ऊपर मैंने न्यूट्रल पॉइंट लगाया वो 110 डिग्री एंगल कहाँ आ रहा है, 90 ऐसे रखना है, 180 ऐसे रखना है। ठीक है, 110 डिग्री इधर से इधर आ रहा है, तो न्यूट्रल पॉइंट 110 के लाइन के ऊपर रखना है। ऐसे अब देख सकते हो बराबर लाइन में आ गया है। अभी 180 के लाइन किधर आ रहा है आप देख लीजिए, 180 के लाइन के बराबर आपको लाइन दे देना है लेंस के ऊपर। कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, आप जाके खुद ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया 180 लाइन खींचे मैंने, 110 डिग्री एंगल हो गया। अभी फ्रेम में कैसे मार्किंग करना है, 110 डिग्री मतलब सभी ऐसा ही प्रोसेस है, जो एंगल में लगाना है आपको उसी एंगल में, ये न्यूट्रल पॉइंट मैंने दिया है उसी एंगल में रखने के बाद 180 के ऊपर लाइन लगा दो। 180 की लाइन ऐसे रहना, मतलब ऐसे लंबा लंबा लगा देना है। फिर क्या करना है मैं फ्रेम ला के दिखा देता हूँ। तो कैसे मेरे पास ये फ्रेम है, ये फ्रेम के डेमो के ऊपर मैंने एक लाइन लगा दिया है। ठीक है, ऐसे लाइन लगाने के बाद मतलब फिटिंग अच्छे से हो गई बराबर, मतलब 180 के लाइन के ऊपर आपको समझ में आएगा। ऐसे लाइन आपको लगाना है डेमो के ऊपर ताकि एक्सिस इधर से उधर ना हो। अभी मैंने 180 का लाइन जो है वो देखना है, और ये जो लाइन है डेमो के ऊपर आप देख सकते हो, ये लाइन 180 के लाइन के बराबर रखना है। ठीक है, ये देखो 180 के लाइन के बराबर रखना है। फिर आपको क्या करना है, ऐसे मार्क कर देना है। ठीक है, अभी इसको कटिंग करके फिटिंग किया जाता है ऐसे, तो आप खुद जाके ट्राई करो, कोई मतलब प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए। तो वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और स्पेक्टेकल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हैं।